चत महाराज इधर में संत समाज ने कलाई पकड़ ली, कही बेटी तुझे अपने शरीर को जलाने का अधिकार है लेकिन दूसरे के शरीर को जलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तेरे उधर में बच्चा है, ललीजा बच्चा को जन्म दे दे, बाकी बात तू सती है जी ये नहीं। बाबा मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मेरे पति मारे गए तो मैं संसार में अब रह करके क्या करूंगी, लेकिन माता पति और पत्नी दुख सुख के साथी होते हैं, जैसे गाड़ी में दो पहिया होते हैं और एक कीचड़ में फंस जाए तो दूसरा निकल नहीं सकता है। अगर पत्नी पे दुख हुआ तो पति संभालो, अगर पति पे दुख हुआ तो पत्नी, अब है तो कोई काबू ना संभाल रहा, पति आ टूट लाते के ना पनबेसरी पाई दे दी, कहते टूट गए का चार हाथ पाए ना दे बुधरिया बांटी बुधरो गिलास पी ले चल, ये है हुआ है। माता त्याई ना कह रहे हैं, हम पैगाम की कह रहे हैं तो अच्छी। सुखदेव जी बता रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित महाराज इधर में बाहुक महाराज की लाश रख लई और लकड़ियां एकत्रित करवा ली, मैया सती हुए कितना जा रही तो संत समाज ने उठा ली मैया और एक दंडक बन की झाड़ी में ले गए संत। अगस्त मुनि ने जल के छीटा लय हाथ पे मैया में छीटा मारे दशा का भाई, अरे हाथ कमंडल जल खोले की अरे जानी हाथ पे नीरु गिरा अरे अगस्त मुनि ने जैसे ही चल के छीटा मारे सो मैया की काया में दर्द होने लगा, अरे चल के छीटा ऋषिया ने मारे मैया के दर्द उठिया ओरे और दंड कमन तीर झाड़ी अमी मैया ने ललाए पूछिया ओरे जन्म दे के दू दू ना प्याओ सो माल्या ने पे ललाकू वो तो महात्मन ने लेके पे छाती ते लगा लो और मैया ललाकू जन्म दे के अपने पति को धर के और चिता पे बैठ गई। माँ सौमाल्या अपने पति के साथ सती है गई, बा बालक को छोड़ गई महात्मन के पास, मैं तायु ना देख पाई लला ने ना तो दूध पी पाओ, संत समाज पालन पोषण कर रहे पे कुटिया पे लला को, महाराज को तो वंश डूबी गयो लेकिन वंश मई तो छो वो लला कह देना को कल्लो पाल के महात्मन ने सोले दना को, जब सोले दना को लला भाव महात्मन ने कही महाराज को डूमो भो वंशो छरे वो है बजा लले अयोध्या में ले जाए और लला को नाम का धरोगो नीति धर्म के हेरे काजा अब होई सगर अवध के राजा
लला को नाम रखोगो सगर। सगर कैसे बोलते हैं, सगर को क्या बोलते हैं? सगर, सगर मानी भी विष होता है, यानी जब विष पी लो बाकी मेहताई ने तो लला पेट में मरो ना हो। संत समाज ने योग माया से देखा है तो समझ गए कि जगह मेहताई ने बहुत दुख झेले। चादनात ब्याह है क्या, उतादनात निकाल दही, फिर जगी लला की मौसी ने झेर पे आए दो तो लला ना मरो। उसी के आधार पर संत समाज ने उस पुत्र का नाम सगर रखा है। बोलिए सगर महाराज की। अब लला आएगो नगर में, ऐसो स्त्रियां बधाई गाय भी आ रही, सो डुकरिया आई जैसे जी अम्मा बैठी गाय सन जैसे केस है डुकरिया के हाथ में लठिया आई थर थर काया कांप रही। सो डुकरिया कह रही है ए छोरियों हटो जाते हटो बिल्कुल, मो मालिम पर गई का महाराज को डूमो वो बंसो फिर चलो। तो लली आज मुझे इतनी खुशी है कि अयोध्या को बंस चलो तो मुझे नेक तुए खरा गीत गा लेंगे। हे एक लड़की बोली है अम्मा ना मानेगी, सांस चल रही है ऊपर और थर थर कांप रही है, जानते हैं नेकू नाचत पाँव तब तक सरको तो पट मच जाई। ए नै लली मैं मर भी सक जाऊं पर तुए कड़ी जरूर लगाऊंगी। तो माता देख लो डुकरिया ने कितना बढ़िया गीत गाओ सगर की बधाई पे, और तुम गीत गाती हूँ कितनों बढ़िया गीत गाओ कागारी डुकरिया। हम गाई सुनावत ही डुकरिया न गारी हमारे गुरु महाराज सिंह का बताई जाए। हम गाई सुनावत ही अरे पिटरिया हरे हरे लड़कियों पर सुकर सुना बताएं बिटरियां अर्थ करो। अब इस गीत का अर्थ लगाना। अरे एक नारी ऐसी भाई जग में बाके गर्म रहो दादा महाराज सिंह बताए कि एक नारी ऐसी भाई जग में ताके गर्म रहो और कन्या साठ पेट दी जाई ये कल को ताके गर्व रहो ओ कन्या साठ पेट ते जियाई ये कऊ को नार कटो अचम्मो ताको ब्रह्मा ने करो। हम गाय सुनावत है लड़कनियों ध्यान करो का चीजे। अब दूसरी कड़ी में का कही यज्ञपति अरे बेऊ साठ पेट ते जियाई उनके गर्व रहो एक ने तो साठ जियाई पर साठ ने गए गर्व रहो अरे फेउ साठ पेट ते जियाई उनके गर्व रहो अरे फेउ साठ पेट ते जियाई उनके गर्व रहो और साठ ने छत्तीस सौ जियाई I'm not afraid.
परीक्षत काची है। हमारे गुरु जी की कथा है गई।